जागरण मंच द्वारा बीते दिन दिए गए वक्फ संपत्तियों को लेकर ज्ञापन के बाद इंदौर जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शकील राज ने शुक्रवार को मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी है। हिंदू जागरण मंच की उक्त मांग पर जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शकील राज ने प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को ज्ञापन का स्वागत करते हुए मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के सारे जिलों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन जिलाधीश महोदय के माध्यम से ही होता है। वहीं दरगाहों और अपंजीकृत मस्जिदों और मदरसों के प्रबंधन के लिए मस्जिद कमेटी का मदरसा कमेटी का गठन बंद करने की मांग पर शकील राज ने कहा कि उक्त कमेटियों का गठन भी वक्फ एक्ट के अंतर्गत शासन के अधीन होता है। हिंदू जागरण मंच ने कबूतरखाना इंदौर की संपत्ति पर अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण करके मस्जिद के कब्रिस्तान के निर्माण का सीमांकन करके अतिक्रमण रुकवाने की मांग भी की है, जिस पर जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शकील राज ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के लोग भी हमारे अपने भाई हैं और वक्फ की संपत्तियों में जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है और हम हिंदू जागरण मंच के सुझाव का स्वागत करते हैं और जो भी गलत हो रहा है उसमें सुधार का पूरा प्रयास करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये ज्ञापन लेके इसको किसी फाइल में लगाने के लिए नहीं है, इसमें जो हमारी मांग है ये होना चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप इस मांगों को लेके हम आगे चरणों का आंदोलन भी करेंगे। इसलिए हमारा आवेदन है कि ये सिर्फ आवेदन के रूप में या ज्ञापन के रूप में नहीं गए, क्योंकि हमें प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए भी सम्माननीय आप भी सम्माननीय हो। मैं इस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ, वाचन के बाद ये देखिए वक्फ की जितनी संपत्ति है उसका प्रबंधन ऑलरेडी कलेक्टर साहब के अधीन ही है। जितनी वक्फ संपत्ति है जिले कोई से भी जिले के मध्य प्रदेश में उसका जो पूरा प्रबंधन है कलेक्टर साहब ही ऑलरेडी देखते हैं, उसके जो मुखिया कलेक्टर ही जिले कलेक्टर ही रहते हैं। अच्छा, और दरगाहों अपंजीकृत मस्जिदों और मदरसों के लिए भी उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को प्रबंधक घोषित किया जाए, इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके लिए जो शासन का एक नियम रहता है जिसके अनुसार ही शासन ही मस्जिदों और दरगाह और मदरसों में अपना अपना प्रबंधन कमेटी बढ़ा शासन द्वारा ही बढ़ाई जाती कमेटियाँ, उसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि कलेक्टर साहब से अलग हटके काम होता है या बाहर ही काम होता है, जो भी नियम के अनुसार ही काम होता है, जो वक्फ एक्ट कहता है उसके हिसाब से काम किया जाता है। हिंदू जागरण मंच का जो ये ज्ञापन है ये क्या इसको इसको लेकर क्या आपके मन में विचार है, ये ज्ञापन का क्या उद्देश्य होगा? देखिए ज्ञापन का उद्देश्य, हिंदू जागरण मंच वाले भी हमारे अपने भाई हैं, हमारे ही देशवासी हैं, हमारे अपने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको कुछ लगा हो गलत हो रहा होगा और वाकई में गलत कुछ कुछ जगह हो रहा है, ऐसा नहीं नहीं हो रहा, वक्त की बहुत सारी जगह गलत हो भी रहा है, हम उसको सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनका जो ये प्रयास है या उनका जो ये उन्होंने सुझाव दिया ये सराहनीय है, इसका हम स्वागत करते हैं और जो भी अच्छा व अच्छा हो सकता है उनके अनुसार हम करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम है? शकील राज, जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।